अगर आपके घर भी कुछ खास प्रकार की कन्याएं कन्या पूजन के लिए आए तो समझ लीजिए कि माँ की कृपा आप पर साक्षात बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। दोस्तों, कन्या पूजन का विधान नवरात्रि के अंत में बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया जाता है और 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना शास्त्रों में वर्णित भी है। इसके अलावा भी कन्या अथवा स्त्री जाति को शक्ति का ही रूप माना जाता है। बाकी दिनों में भी शक्ति का सम्मान तो करना ही चाहिए, लेकिन बाल रूप सबसे निश्चल और निर्मल होता है, इसलिए माता के प्रतिबिंब को कन्याओं के रूप में पूजना अति शुभ होता है। कहा भी जाता है कि माँ दुर्गा सबसे ज्यादा जो प्रसन्न होती है वो है कन्या पूजन से। कन्या पूजन के एक दिन पहले ही आपको कन्याओं को भोजन के लिए आदर सहित आमंत्रित करना चाहिए और कन्या भोज के बाद ही आपके व्रत को सफल भी माना जाता है। अगर आपके घर भी आज के दिन कुछ खास प्रकार की कन्याएं आती हों तो समझ लीजिए कि माँ का साक्षात आपको आशीर्वाद मिल गया है और आपके घर को वो हर प्रकार की मुसीबतों से बचा कर रखेंगी, आपकी रक्षा भी करेंगी। आज दोस्तों मैं आपसे बताने वाली हूँ किस प्रकार आप इस बातों को समझ सकते हैं कि आपके ऊपर या आपके घर पर माँ दुर्गा का सच में आशीर्वाद है या नहीं है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, लेकिन आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपके घर में हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आपको हमेशा ही कोई ना कोई खुशी होने का या फिर खुश होने का कोई ना कोई जो है वजह आपको मिलता ही रहता है। अगर आज के दिन बिना आमंत्रित किए कोई भी कन्या आपके द्वार पर आए तो उसे पूरे श्रद्धा भाव से घर में स्वागत कराकर भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमने कई कन्याओं को आमंत्रण दिया है और उन कन्याओं के अलावा भी हमारे घर पर कन्याएं आती हैं तो बहुत लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में यदि देखा जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है। चरण धोते समय अगर किसी भी कन्या के पाँव में पहले से ही आलता लगा हो और उसके पाँव की छाप आपके घर पर पड़े तो ये अत्यंत ही शुभ संकेत होता है। आपके घर धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। अगर कोई आपके साथ और कन्याओं को लेकर साथ आए और साथ में कोई बालक भी हो तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यदि श्याम वर्ण की कन्या आई हो आपके घर में तो आप समझ लें कि माँ कालरात्रि साक्षात आपके घर में आई है, ये उनका ही प्रतीक है। आपको बड़े भक्ति भाव से ऐसी कन्या का पूजन करना चाहिए। घर से विदा होते समय अगर देवी के ये रूप आपको आशीर्वाद देकर जाए और पीछे मुड़कर फिर आने का वचन दे तो समझ लें कि आपसे देवी अत्यंत ही प्रसन्न है। यूं तो भक्ति और श्रद्धा में निर्मल मन के होने से आपके किए हर कार्य से माँ प्रसन्न होती हैं, परंतु आज के दिन विनम्रता और प्रेम से माँ दुर्गा के 9 रूपों को निस्वार्थ भाव से पूजन कराने से कई जन्मों के संताप कट जाते हैं। आज के दिन घर की बेटी और बहुओं का भी उतना ही सम्मान करें जितना कि आप माँ दुर्गा का करते हैं या फिर देवी रूप का करते हैं। अगर घर की बेटी इस दिन घर आए तो उन्हें भी भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें, ये अत्यंत ही शुभ होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।